शुरू करते एक कढ़ाई ली, गैस ऑन करी, ये 20 ग्राम्स काजू, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे हम, ये 20 ग्राम्स बादाम, इसको हल्का से रोस्ट करेंगे। ये अब अच्छे से रोस्ट हो गया, अब इसके एक प्लेट में निकाल लेंगे। वही कढ़ाई के अंदर हम 100 ग्राम घी है, इसमें मैं पहले आधा डालूंगी। गोंद, तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गया, अभी इसको निकाल लेंगे। सारा गोंद ऐसे ही आपको फ्राई करके निकाल लेना है। देखिए सारा गोंद मैंने फ्राई करके रख ली। अब इसको हम बाजू में लेंगे, जो बचा हुआ घी है इसको भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ये बहुत पौष्टिक और हेल्दी लड्डू है, और आटे के साथ ये 1 कप गेहूं का आटा। इसको अच्छे से मिलाएंगे, ये देखिए अच्छे से मिलाना है आपको, चलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है आपको आटा। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये जलने का चांसेस रहेगा। अगर आपको चाहिए तो इसके अंदर और थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। देखिए आटा अच्छे से भून के तैयार है, एकदम ब्राउन हो गया है और इसके अंदर खुशबू भी आने लग गया। तो हम गैस ऑफ कर लेंगे, इसको हम 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए आटा ठंडा होने तक हम जो भून के रखे उसको हम ग्राइंड कर लेते, हल्का सा ग्राइंड करेंगे। मैंने हल्का सा ग्राइंड कर ली, इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। इसी के अंदर हम जो फ्राई करके रखे गोंद उसको भी हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हल्का सा ग्राइंड कर ली मैंने, तो ज्यादा पाउडर ना बनाना है, ऐसे सारे कर लेंगे। देखिए मैंने सारा ग्राइंड कर रख ली। ये 1 कप शुगर पाउडर, जितना आटा ले उतना ही शुगर लेना है आपको। चलिए अब बनाना शुरू कर दे, ठंडा भी हो गया होगा। ये अच्छे से ठंडा हो गया, ये हल्का सा गर्म है गुनगुना से। अब इसके अंदर हम 1 कप शुगर पाउडर, गोंद जो पीस के रखे, काजू बादाम का पाउडर, 1 स्पून इलायची पाउडर, तो इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए हल्का सा मिल गया अभी, अभी इसको हम हाथ से मिला लेंगे अच्छे से, सारे चीज़ें एक साथ हाथ से मिलाने से सब मिल जाएगा आपका। सारा आटा मैंने मिक्स करके रख ली, अब इसको हम लड्डू बनाना शुरू करते। ऊपर एक काजू, सारे लड्डू ऐसे बना के रखेंगे। देखिए बनके तैयार है गेहूं के आटे का हेल्दी एंड पौष्टिक लड्डू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।